जावियार नहीं आया अभी तक। जी, जावेर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और बहुत अर्ली थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही चला गया। अच्छा जमीला, आज से नया बेबी का नाश्ता और उनका खाना उनके बेडरूम में जाएगा। जी ठीक है। वो क्यों? इसलिए कि जावियार ने नायाब के लिए एक नर्स हायर की है जो उसके लिए डेली बेसिस मेन्यू तैयार करेगी। आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है उसका। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसे। लेकिन इस तरह तो बेचारी और ज्यादा बोर हो जाएगी। कमरा अलग, खाना भी कमरे में। तो वक्त का खाना ही तो है जो हम लोग सब मिलके खाते हैं साथ। यूं अकेले अकेले अगर अपने कमरों में खाने लगे तो मैं तो अपने बच्चों की शक्लें देखने को तरस जाऊंगी। पीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कम से कम ब्रेकफास्ट और डिनर पे सबको एक साथ होना चाहिए। समीरिया तो मजबूर है अपनी नींद के हाथों, बाकी सब कहाँ है? ना तानिया है, ना जुनेद, किधर है दोनों? तानिया का ब्रेकफास्ट उसके कमरे में पहुंचा दिया और जुनेद आजकल लेट घर वापस आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, सो रहा होगा अभी तक। जाहिर है सैडली उन दोनों की नाराजगी अभी तक चल रही है। पीजी प्लीज। मैं यही देखूंगी, काफी है, शुक्रिया। हाँ ठीक है, मैं बस निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। अच्छा, लेट मी कॉल यू बैक। अभी आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वो दरअसल डेट शीट आ गई है पेपर्स की, अगले हफ्ते से पेपर्स हैं। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आजकल जावियार मुझे लेके बहुत मोहतात हैं, इसलिए फिक्र हो रही है कि वो इजाजत देंगे नहीं देंगे। देखिए भाभी, आपकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में भाई आपको लेकर केयरलेस तो हो नहीं सकते, मोहतात ही होना पड़ेगा। और फिर वैसे भी ये आप दोनों मियाँ बीवी का मामला है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। देखिए, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया, आपकी तैयारी पूरी है ना? है ना? वेरी गुड। अगर अब आपको रिवीजन करनी होगी तो भाई आपका हाजिर है, रिवीजन आपको करवा दी जाएगी, लेकिन ये मामला आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। शुक्रिया, मैं जावियार को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज आप बात कीजिए, मैं भी जा रहा हूँ। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी, तबीयत ठीक है। वो आपको बताना था कि डेट शीट आ गई है, पेपर्स अगले हफ्ते से हैं, तो वो क्यों मेरा पीछा कर रही हो? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मुझे तंग मत करो प्लीज। मैम आप प्लीज खाना खा लें, सुबह भी आपने नाश्ता नहीं किया। अगर अभी आपने खाना नहीं ना खाया तो मैं जावियार सर को आपकी शिकायत कर दूंगी। जावियार सर, देखे मैम खाना नहीं खा रही हैं, अब आप ही ने समझाए, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती है। अच्छा जाओ तुम। क्या बात है नायब, ये भूख हड़ताल किस लिए? इस हालत में तो पेपर्स देने जाओगी? जी नायब, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करूं तो वो भी कर देता हूं कि मत जाओ। मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे रिक्वेस्ट करें। तो फिर खाने से क्या नाराजगी है, क्यों नहीं खा रही तुम? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं पेपर्स दे सकूं और आप मुझे उसकी इजाजत दें। नहीं नायब, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। Have you gone mad? क्या हो गया तुम्हें? इस हाल ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम नायाब के साथ? माना कि तुम्हारी मसरूफियात हैं,
लेकिन फैमिली के लिए वक्त तो निकालना पड़ेगा ना, खास तौर पे बीवी के लिए। ठीक है, वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल दो ना इसके लिए, और कुछ नहीं तो कहीं घुमाने फिराने ले जाओ, खुश हो जाएगी वो। नहीं होगी ये खुश, ये किसी हालत में खुश नहीं होगी। पूरी बात है साव्यार, जानते भी हो इस हालत में औरतें कितनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। दादो जिद कर रही, इस कंडीशन में जाके पेपर्स देना चाहती है। नहीं, क्या हो गया इसे? चाह रही है कि मैं उसे इजाजत दे दूं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा खैर, जो कुछ भी है ना वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। चलो अभी जाओ शाबाश, जाके उसको मनाओ, खाना खिलाओ। सुना नहीं नर्स क्या कह रही थी, सुबह से उसने कुछ खाया ही नहीं है। जाओ शाबाश। पता नहीं नर्स किस लिए रखी है मैंने, अगर यही काम मैंने करने। हेलो, हाँ महवेश, कैसी हो तुम? तुमने तो खुद फोन ही नहीं किया मुझे, तो मैंने सोचा मैं ही कॉल कर लूं। हाँ हाँ, खैरियत से ही फोन किया था। अच्छा मुझे बताओ कि कब मिल सकती हो तुम मुझसे? ओके परफेक्ट, चलो ठीक है, आई सी यू देन, टेक केयर, बाय। What's your problem? नाया, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम इस कंडीशन में एग्जाम देने जा रही हो? क्रेजी? Yes, मॉम, प्लीज समझाएं इसे। मेरी बात तो इसको समझ नहीं आ रही। क्या मसला है तुम्हारा? कोई नया तमाशा करना चाहती हो? आंटी, मुझे दरअसल पता नहीं था, डेट शीट कल ही आई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि पेपर्स इस तरह सर पर आ जाएंगे, और अब अगर पेपर्स नहीं दिए तो साल तो जाया होगा, साथ में मेरी मेहनत भी। और आप जानती हैं, मां बन जाने के बाद फिर पेपर्स देना और भी मुश्किल हो जाएगा ना। और वैसे भी अभी तो डिलीवरी में टाइम है। टाइम है? 7th मंथ है तुम्हारा, लास्ट ट्राइमेस्टर, बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। आई थॉट मैं तुम्हें बता दूं, वरना लोग कहेंगे कि देखो सास ने कुछ समझाया नहीं, बताया नहीं, बातें तुम मुझे करवाओगी ना लोगों से, बुराई तो मेरे हिस्से में आएगी ना। अब आंटी प्लीज, आप लोग मुझे ये पेपर्स देने दें, आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, अपना भी और इस बच्चे का भी, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ज़ावियर, बहुत इंडिपेंडेंट हो ना तुम, ठीक है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लिया, सीरियसली नायाब, खाम खा जिद कर रही हो तुम। ज़ावियर क्या कह सकते हैं?